जिला व महानगर कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग मुरादाबाद के तत्वावधान में जिलाधिकारी के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित एक ज्ञापन दिया गया। जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञापन में कहा कि झांसी के रेलवे स्टेशन पर महिलाओं के साथ की गई गुंडागर्दी में लिप्त लोगों की उच्च स्तरीय जाँच कराकर दोषियों को सजा दिलवाई जाए। प्रदर्शन में मुख्य रूप से जिला चेयरमैन अफजल सावरी, महानगर चेयरमैन सफदर नियाजी, प्रदेश कोऑर्डिनेटर एवं जनपद बुलंदशहर के प्रभारी असलम खुर्शीद, पार्षद मोहम्मद नदीम, पार्षद मोहम्मद जुनेद, पार्षद शमशेर अली, पूर्व पार्षद मोज़म अली, अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश सचिव अफजर अंसारी, गयूर खलीफा, अरशद परवेज, शिशुपाल जाटव, गुलवेज सिद्दीकी, फैजल सिद्दीकी, नाजिम मलिक, शहजाद खान, नदीम कुरैशी, बब्बू चौधरी, सलमान, हुमा रैनी, रईस खां, शकील, सरबर हाशमी, पूर्व पार्षद रेहान अहमद, तस्लीम सिद्दीकी, असलम कादरी, कामिल मंसूरी, सरफराज अंसारी, शिवम कश्यप व सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। अल्पसंख्यक विभाग का चेयरमैन किस संबंध में प्रदर्शन किया जा रहा है? ये हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश चेयरमैन शाहनवाज आलम साहब के निर्देश पर पूरे प्रदेश में आह्वान पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। झांसी में जो ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के साथ कुछ सांप्रदायिक लोगों ने ट्रेन से उतार के पुलिस की मदद से उनके साथ बदतमीजी की है, उनके साथ बर्बरता की है, उसके संबंध में हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं जिलाधिकारी महोदय द्वारा। और अगर इसके जल्द से जल्द इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर पूरा कांग्रेस संगठन सड़कों पर उतरेगा और इन महिलाओं को न्याय दिलाने का काम करेगा और ऐसे सांप्रदायिक लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाने का काम करेगा। किसको ज्ञापन देंगे, कौन से अधिकारी को? जिलाधिकारी महोदय को हम ज्ञापन देंगे, ये राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित करेंगे।